बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज कुछ नया चीज करने वाला हूँ। ये किसका कॉल है? हेलो, अबे ये किस चाइनीज का फोन था? क्या बोला उसने, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। खैर, बाहर का तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बाहर से थोड़ा सोच रहा हूँ, घूम के चला आऊँ। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, उस चाइनीज ने मुझे क्या बोला? हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी पड़ी है और मैं गूगल से ट्रांसलेट कर लेता हूँ क्या बोला उसने। ट्रांसलेट इन हिंदी, आज तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बाय। अरे मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना पैसा कि मैं बुराई को भी अच्छाई में बदल सकता हूँ। इसी बात को मैं पॉसिबल करने के लिए चला मैं लंबोर्गिनी लेने अपनी बाइक उठा के। मेरी बाइक किसने गिरा दी यार? बहुत बुरे बुरे लोग रहते हैं क्या, इधर मेरी बाइक गिरा देते हैं सब। चलो मैं फटाक से चलूँ, अपना लंबोर्गिनी मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे मुझे लंबोर्गिनी का शोरूम देखने, अरे 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 बाप रे, मेरे साथ हादसा होते हुए, ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मारा मैं, हादसा होते हुए होते होते बच गया। अभी क्या गांजा फूक के बाइक चला रहा है क्या बे, देख के चला। चुप कर, मैं मरते मरते बचा हूँ अभी। वैसे भी ये रेड वाली कार बहुत अच्छी लग रही है, वाह ये वाली कार लूँ क्या मैं? वैसे मेरा ड्रीम तो है लैम्बोर्गिनी, तो मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा। मुझे लैम्बोर्गिनी के शोरूम का रास्ता नहीं मालूम, इस बंदे से पूछता हूँ। अरे हाँ, यही तो मेरे को अभी कुछ बोला था। चल भाई मैं उससे रास्ता ही पूछ लेता हूँ लैम्बोर्गिनी का। ओए लैम्बोर्गिनी का शोरूम किधर पड़ता है, इधर मालूम है तेरे को? क्या भैया, अभी मैं दबते दबते बचाऊं, इतना खतरनाक स्टंट मार के बाइक चलाओगे? वो सब तो मैं ऐसे करते रहता हूँ, बस तू मेरे को बस बता लैम्बोर्गिनी का शोरूम किधर है। अरे भैया आगे से जाके लेफ्ट ले लीजिए, नहीं नहीं राइट ले लीजिए, बस आपका शोरूम आ जाएगा। भैया मैं एक बात बता दूं, मेरी एक बीमारी, मैं बहुत उल्टा बोलता हूं। क्या बे, तू उल्टा है? इस उल्टी खोपड़ी ने तो राइट बोला है, यानी मेरे को लेफ्ट जाना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे उल्टे उल्टे लोग रहते हैं यार, ऐसे एड्रेस पूछो तो यार परेशान ही हो जाओगे कोई भी। वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कोई ऐसा बंदा मिला है जो एड्रेस बताते वक्त बहुत परेशान कर दे या फिर गलत एड्रेस बताए। ओ भाई ये वाली रेड वाली कार फिर से मिली, और मेरे लंबोगिनी शोरूम आ गई नहीं, मैं लंबोगिनी शोरूम के पास पहुंच गया। ओहो मेरे लंबोगिनी कब आएगी तू? मेरे को ये ऑरेंज वाला बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन ये येलो भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, शायद से ऑरेंज वाला लेना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है ऑरेंज वाला जो कि। लेकिन सबसे विचित्र बात, इस शोरूम का मालिक किधर गया? मेरे ख्याल से वो, वैसे तो मेरे पहचान का ही वो मालिक। छोड़ो, वैसे मेरे को ये ऑरेंज वाला बहुत पसंद आ रहा है और इसका पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन मालिक को, तो मैं जान ही रहा हूँ। वैसे मैं ऑरेंज वाला लेके कार फटाक से निकलता हूँ यहाँ से। वो बाइक को तो घर ले आ जाऊंगा बाद में, बाइक तो बाद में भी आ जाएगी, मेरे पास बहुत पैसा है यार। लेकिन यहाँ पे ले जाते मुझे एक बात याद आ रही है कि उस, अरे भाई ठुक गई, न्यू कार है, ठुकी, कोई स्क्रैच आई नहीं क्योंकि लंबोगिनी है, लंबोगिनी ब्रांड है भाई। बट हाँ मैं कहाँ था, हाँ उस चाइनीज के बाद, उस चाइनीज ने पता नहीं क्या बोला मेरे को, आज मेरे साथ बुरा होगा। वैसे ना लंबोगिनी से ड्रिफ्ट मारने में बहुत मजा आता है मेरे को, ये ड्रिफ्ट मारा मैंने और भाई बहुत मजा आ रहा है। ये लंबोगिनी बहुत अच्छी कार होती ही है। लंबोगिनी लेने के बाद मेरे को याद आ रहा है, मेरे को एक पेट पालना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पेट तो रखना ही पड़ेगा अपने आप को एक पेट रखना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब है, कोई गलत मत समझ लेना। वैसे मेरा घर का रास्ता किधर है? अबे लैम्बोर्गिनी लेके मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। इधर से, हाँ सीधे याद आया, इधर से सीधे चलता हूँ वो इधर, अरे रोड से चलना चाहिए। ओ भाई पोल से टकरा गई, अरे मेरे लैम्बोर्गिनी शुरू में ठुक गई यार। लेकिन लैम्बोर्गिनी मजबूत कार होती है, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ सामने से, कुछ लग नहीं रहा मेरे को डैमेज हुआ। तो अपनी कहाँ पर पार्क करूँ लैम्बोर्गिनी? इधर से साइड में ही लगा देता हूँ लैम्बोर्गिनी। ये लगाया बैक गियर और ये मोड़ा कार, चल भाई पीछे लग जा मेरी प्यारी लैम्बोर्गिनी। वैसे भी कलर भी बहुत पंची कलर है, मस्त कलर है, एकदम मस्त चटपटा लग रही है। कार चला के बहुत थक गया, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो चलता हूँ सोचूं घर पे सोना भी। ओह भाई बहुत तेज नींद आ रही है, फटाक से मैं बेड पकड़ के सो जाता हूँ अपना, बहुत आराम, बहुत थका हुआ था, नींद पूरी हो गई मेरी। चलो देखो अपने लैम्बोर्गिनी से थोड़ी ड्रिफ्ट व्रिफ्ट मारा जाए। अबे ये क्या, मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ गई? मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ गई, किसने चोरी कर लिया? वो भाई इधर साइड रोड में कोई मजाक वजाक नहीं ना कर रहा है? आखिर किसने की लैम्बोर्गिनी की चोरी और वो चाइनीज कौन था? इसके आगे की कहानी जानने के लिए टू बी कंटिन्यू।